चीज़ें सीखेंगे। एक तो ये भी इसका काम कैसे होता है, इसमें क्या कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, कैसे काम करती हैं, सेफ्टियाँ क्या क्या हैं, रिले क्या क्या लगी हुई हैं, ब्रेकर्स कौन से लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, आप सब लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज यहाँ पर आप सब लोगों को देख रहे हैं, तो ये सब लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। अभी हम HT पैनल के ऊपर हैं, ये इसको बोलते हैं HT पैनल रूम, ये हमारा HT पैनल रूम है और आज हम HT पैनल की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। इस बैच में इस तरह आप सीखना चाहते हैं और 30 दिन के अंदर अंदर आप 100% जॉब प्लेसमेंट चाहिए तो आप ऑफलाइन बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो नीचे नंबर चल रहा होगा उस पर कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आते हैं सीधे पॉइंट के ऊपर कि चीज़ें क्या हैं, कैसे कैसे हैं, वो थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे एक दूसरे से। तो HT पैनल रूम कितने लोगों ने हैं, ऐसे हैं जो पहली बार HT पैनल रूम के अंदर आए हैं? तो कितने लोग आए हैं, कितने लोग इससे पहले HT पैनल के अंदर जा चुके हैं? ओके, तो 4-5 लोग हैं, आप लोग पहले जा चुके हैं। तो आज हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो ये भी इसका काम कैसे होता है, इसमें क्या कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, कैसे काम करती हैं, सेफ्टियाँ क्या क्या हैं, रिले क्या क्या लगी हुई हैं, ब्रेकर्स कौन से लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है जो क्लियर करेंगे, भी यहाँ तक सप्लाई आई कैसे, यहाँ तक सप्लाई आई कैसे और यहाँ के बाद सप्लाई कहाँ जाएगी, उससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई आई है, ये सप्लाई आई है हमारी मेन मीटर रूम से। जैसे हमारे घर के अंदर होता है कि हमारा मीटर लगता है, उसके बाद हम अपनी MCB वगैरह लगा सकते हैं, तो मीटर रूम से सप्लाई आई। उसके बाद ये कंपनी ने अपने खर्चे पे पूरा सिस्टम ये लगा रखा है, ठीक है। तो मीटर रूम के बाद हमारी यहाँ पर सोर्स आई है। तो सप्लाई आई है, वो कितनी सप्लाई आई है, इसमें एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि भाई मेरे इधर जो सप्लाई आई है 11,000 है, 33,000 कितनी है। तो यहाँ पर जो सप्लाई आई है वो हमारी 33,000 आई हुई है। जब लोग आप साइट पर जाएंगे तो ये पहला क्वेश्चन, जब ज्वाइन आप हो जाओगे तो भाई इधर कितने सप्लाई आई है, कितने ACB लगे हैं, कितने VCB लगे, कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं, वो आपकी डायरी में होना चाहिए प्रॉपरली। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सप्लाई आई है, सबसे पहले इधर तो बहुत सारे दिख रहे हैं यार, कौन से वाले में आई, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कोई बता सकता है कि कौन से वाले में सप्लाई आई? कैसे बताएं? नंबर 1, 2, 3, 4, 6 नहीं, जरूरी नहीं है। नीचे अब LT पैनल में चलेंगे, LT पैनल में चलेंगे तो उसमें भी बहुत सारे पैनल हैं, जरूरी थोड़ी पहले वाले में। तो ये सही आंसर है कि इसके अंदर ना ये लिखा रहेगा, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इनकमर, एक नेम प्लेट लिखी हुई है इनकमर। इनकमर का मतलब है भाई हमारी सप्लाई आई है। जैसे इसमें जो सामने है, आप अपने सामने में देख लोगे, ये आउटगोइंग लिखा हुआ है, उससे आगे अपने अपने में देखोगे इस वाली नेम प्लेट पर तो आउटगोइंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले हमारी सप्लाई यहाँ पर आई है, सबसे पहले इस ब्रेकर के अंदर हमारी सप्लाई आ गई है। इसमें जैसे आप लोगों को दिखाया था कि स्विच होता है, एक साइड सप्लाई आती है, दूसरी साइड से निकल जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारी 3 फेज RYB हमारे आए 33,000 के, और उसके बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो ये सीरीज में जाएंगे उस आगे जो कनेक्ट होंगे या पैरेलल में कनेक्ट होंगे, कोई बताएगा? सीरीज में होंगे। और पैरेलल वाला भी है कोई? तो ये आगे जितने भी है ना, सीरीज में नहीं कनेक्ट होंगे, ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे। जो सारी सप्लाई कनेक्ट होती है, पहले यहाँ पे आ गई, उसके बाद ये बस कपलर समझो, एक तरह से बस कपलर है भाई, बस कपलर में सप्लाई आ गई, पहले इसके अंदर सप्लाई आ गई, फिर हम इसको ऑन करेंगे जब ही आगे सप्लाई जाएगी। बस कपलर का फंडा कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है बस कपलर कैसे काम करता है? नहीं पता है, कोई नहीं, अभी ऐड ऑन कर देंगे। तो ये बस कपलर का की तरह काम करता है हमारा ब्रेकर। सबसे पहले यहाँ आती है, इसको ऑन कर देते हैं, यहाँ आ जाती है, इसको ऑन करके पूरे ब्रेकर्स में सप्लाई चली जाती है।
अगर मैं चाहे इसको बंद कर दूं या इसको बंद कर दूं तो पूरी सप्लाई वहां तक बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि भाई ये एक इनकमिंग है, एक दो तीन चार, चार आउटगोइंग है। तो यहीं से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हमारे इधर चार ट्रांसफार्मर लगे होंगे। यहीं से हमने क्या अंदाजा लगा लिया कि चार ट्रांसफार्मर होंगे, चार आउटगोइंग है, तो होना भी ऐसे चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सारी आउटगोइंग होगी। अब बात आती है कि भाई इनके ऊपर ये जो चीजें लगी हुई हैं, ये क्या कुछ लगी हुई हैं, क्या है क्या नहीं है। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर आप अपने सामने जो भी है ना उधर आप देखेंगे तो इनके ऊपर ऑलरेडी मेंशनड है कि इनके ऊपर क्या कुछ लगा हुआ है, क्या है। हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं ऊपर से। सबसे पहले तो भाई इस ब्रेकर के अंदर ये हमारा रिले सेक्शन है, ये हमारा कंट्रोलिंग सेक्शन या रिले सेक्शन होता है। ये हमारा कौन सा सेक्शन हो गया, ये ब्रेकर और पीटी सेक्शन। ब्रेकर यहाँ है, पीटी और सीटी इसमें पीछे की तरफ लगी होंगी। बहुत लंबा आप देखोगे कमरे की लंबाई बहुत ज्यादा है, तो लास्ट में सिर्फ इतना ही स्पेस है, बाकी पीछे तक ये इसने अपने आप को यूटिलाइज किया हुआ है। तो पीटी भी इसी के अंदर लगी रहती हैं, सीटी और पीटी। ठीक है, सीटी और पीटी क्यों लगी हैं कोई बताएगा? ठीक है, तो करंट और वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास ये चीजें लगी हुई हैं, सीटी और पीटी लगी हुई हैं। ये वाला ब्रेकर है, ये वाला सेक्शन है, ये ब्रेकर सेक्शन है हमारा, ये हमारा ब्रेकर सेक्शन है। इसमें कौन सा ब्रेकर लगा है? VCB। इसमें SF6B लगा सकते थे, 33,000 है, SF6B लगा सकते थे, VCB भी लगा सकते। यहाँ पर VCB लगा हुआ, VCB होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। SF6 क्या होता है? हाँ, उसके अंदर जो गैस होती है इसलिए उसका नाम SF6 है। इसके अंदर वैक्यूम बोटल्स होती हैं जिनके अंदर हमारे मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट लगते हैं, इसीलिए इसको हम VCB बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अभी आते हैं भाई इस रिले सेक्शन के ऊपर, भाई रिले में क्या कुछ लगा हुआ है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो इस पे क्या लिखा हुआ है? ओवर करंट रिले। ये है अर्थ फॉल्ट रिले है, ये भी ओवर करंट रिले है। अभी कई बार बच्चे पूछते हैं सर दो दो क्यों लगा रखे हैं, भाई जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से इन्होंने लगा रखी है। वो इंजीनियर का डिजाइन होता है कि क्या लगाना है, कैसे लगाना है। सर वहाँ पे एक लगी थी, दो लगी थी, तो कहीं दूसरी जगह से कंपेयर नहीं करना इन चीज़ों का। ठीक है, तो जहाँ पर जो सिस्टम होता है वो सिस्टम लगता है वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारी रिले होगी। भाई रिले अर्थ फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट किस कंडीशन में काम करेगी? जब कोई अर्थ फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ओवर करंट रिले है, नाम से ही पता है। अब भाई ये रिले किसी वजह से एक्टिवेट हो गई तो कैसे रीसेट करेंगे कोई बता सकता है? ये नीचे एक बटन दिया हुआ है, देखो दिख रहा है, हिल रहा थोड़ा हा? तो इस बटन से ये रीसेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये और ये देखो तीनों जगह ये बटन दिए हुए हैं, यहाँ से हम इसको रीसेट कर सकते हैं। अभी आते हैं और आगे आ जाते हैं, ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। ठीक है, इसके बारे में एक सेकंड रुक के बात करेंगे। ये है हमारी ऑक्सिलरी रिले। ऑक्सिलरी रिले से क्या मतलब होता है भाई? जैसे ना भी अर्थ फॉल्ट पर काम कर रही है ना किसी और चीज़ पर काम कर रही है। जैसे उधर हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इधर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रिपिंग कहाँ आती है? ऑक्सिलरी रिले पे उस कंडीशन में हमारी ट्रिपिंग आती है। तो उस कंडीशन में ये देखो एक दो तीन, तीन रिले लगी हुई हैं, तो हो सकता है एक हमारी दे दियो टेम्परेचर के लिए होगी हमारी, दूसरी डोर सेफ्टी के लिए होगी, तीसरी हो सकता है तीसरी और किसी चीज़ के लिए हो। तो इस तरह करके ये तीन ऑक्सिलरी रिले लगी हुई हैं एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, अलग अलग को रीसेट करने का सिस्टम दिया हुआ है। ऑक्सिलरी रिले समझ में आ गई? ठीक है, ये आगे नीचे ये है ट्रिप रिले या ट्रिप सुपरविजन रिले भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है,
ये यहाँ पर ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले है, ये हमारी ट्रिप रिले है, मास्टर ट्रिप रिले, ठीक है, इसको मास्टर ट्रिप रिले बोलते हैं, ट्रिप सुपरविजन नहीं, मास्टर ट्रिप रिले इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ट्रिप रिले भी लिखा रहता है, मास्टर ट्रिप रिले भी लिखा रहता है। तो पहले इसका फंक्शन समझ लेते हैं कि देखो भाई, ये हमारा VCQB के ऊपर जब कमांड जाती है, ट्रिपिंग की जब कमांड जाती है, तो भाई एक ही कॉइल होती है, संट कॉइल के ऊपर कमांड जाती है, संट कॉइल हमारे ब्रेकर को ट्रिप कराती है। अगर एक साथ में इसने भी कमांड दे दी, यहां से भी आ गई, एक साथ दो जगह से कमांड आ गई, तो भाई वो रिले तो पागल हो जाएगी, भाई कहां से कमांड है, क्या आई है। तो जो भी कमांड होती है, इसके पीछे ना एक जंक्शन दिया होता है जिसमें हम सारी रिले के कनेक्शन करते हैं, तो जो भी रिले का पहले कमांड आएगी वो पहले इसके ऊपर आएगी, ये फिर आगे भेजेगी आगे, ठीक है, वो आगे VCB को भेजेगी। तो अगर सपोज ऑक्सिलरी रिले की वजह से कोई फॉल्ट आया है, ऑक्सिलरी रिले की वजह से कोई फॉल्ट आया है, तो और इधर से भी सपोज कोई कमांड आई, तो ये सपोज ऑक्सिलरी रिले भी ट्रिप होगी, ये भी रीसेट करनी पड़ेगी मुझे, और मास्टर ट्रिप रिले भी रीसेट करनी पड़ेगी। जब तक मैं मास्टर ट्रिप रिले को मैनुअली रीसेट नहीं करूंगा, यहां से फॉल्ट रीसेट नहीं होगा, ठीक है। अभी एक रिले बच गई हमारी, ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, भाई ये तो खाली ट्रिप ट्रिप, ये क्या है, मास्टर ट्रिप रिले, भाई ट्रिप कराती है, बहुत क्विक ट्रिप कराती है सिस्टम को, ठीक है, बहुत क्विकली और सही डायरेक्शन में ट्रिप कराती है, ये हो गया ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। तो ये भाई सारी रिले को सुपरवाइज करती है, भाई इसमें तो क्या हुआ, सीधा आई कमांडर चली गई, ये प्रॉपरली सुपरवाइज करती है पूरे सिस्टम को, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ट्रिप नहीं कराएगी, ट्रिप तो हमारी यही कराएगी। तो ये जो ट्रिप सर्किट होता है हमारा, ट्रिप सर्किट सुपरवाइजर जो, तो उसको पूरे को सुपरवाइज करती है, ठीक है। तो हमारी ये रिले जितनी लगी हुई थी, रिले खत्म होगी, इंटरव्यू में पूछा जाता था, यही रिले आप लोग बता सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और चलते हैं आगे, ये क्या लगा हुआ है भाई, ये लगा हुआ हमारा सेलेक्टर स्विच की तरह, एक तरह से कि लोकल में है या रिमोट पे है। लोकल का मतलब क्या होगा भाई, यहीं से आके हमें इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, जो कुछ कमांड देनी यहीं से देनी पड़ेगी। रिमोट पे अगर दिया तो मैं दूसरी जगह से भी दे सकता हूँ, ठीक है, इस रूम में आने की जरूरत नहीं होगी मुझे। तो ये है लोकल और रिमोट। उसके बाद में ये आ गए, ये है TNC, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। अगर मुझे इस ब्रेकर को ऑफ करना है तो दो तरीके हैं ऑफ करने के, मैं एक तो TNC से ऑफ कर सकता हूँ, एक इमरजेंसी से ऑफ कर सकता हूँ, दूसरा, तीन तरीके हो जाएंगे, एक TNC से ऑफ कर सकता हूँ, इमरजेंसी स्विच से ऑफ कर सकता हूँ, और यहाँ से मैनुअली, ये देखो ये बटन है नीचे, इसको दबा के मैनुअली भी ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। यहां से जब उसको ऑफ करता हूं या ऑन करता हूं, तो इसके अंदर दो रिलीज लगी हुई हैं, संट रिलीज और क्लोजिंग रिलीज, तो उनको कमांड जाती है और ये ऑन ऑफ होता है। अगर किसी वजह से हमारी संट रिलीज खराब हो गई है, तो मैं इसको मैन्युअली यहां से बंद कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकर बंद हो जाएगा। इसके अंदर UV नहीं लगी रहती है, UV क्या होती है कि भाई वोल्टेज कम ज्यादा रहती है तो ट्रिप कर देती है, तो यहाँ UV नहीं लगी रहती है, ACB के अंदर होती है हमारी, ऐसा नहीं कि किसी भी में नहीं होती, भाई किसको डिमांड करे तो उसमें सब कुछ लग सकता है, बट इसमें नहीं लगाते हैं UV को, ठीक है। तुम्हारी 50 बार लाइट जाएगी, 50 बार आएगी, ये ब्रेकर ऑन ऑफ नहीं होगा, ये ऑन ही रहेगा, ठीक है। नीचे LT के ब्रेकर्स में जब हम बात करेंगे तो कंडीशन कुछ और होगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, एम्पियर मीटर है भाई, 40 तक इसमें एम्पियर इसमें दिखा रखा है, ठीक है। और ये इंडिकेशन हमारे हैं ट्रिप सर्किट हेल्दी, भाई जो सर्किट है और ट्रिप सर्किट है हमारा हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, RYB तीनों फेस हमारे आगे, ठीक है। स्प्रिंग चार्ज, भाई जो हमारी VCB है उसका स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं है, स्प्रिंग चार्ज होगा तो हम उसको तुरंत ऑन कर सकेंगे, ठीक है।
उसके बाद में ब्रेकर ऑफ है या ऑन है, ब्रेकर ट्रिप है तो ये इंडिकेशन जल जाएगा, और ब्रेकर ऑन है तो ये जल रहा है हमारा, ये हमारा इमरजेंसी स्विच है। तो ये इस पैनल के ऊपर जितनी भी चीज़ें लगी हुई थी वो सारी हमारी क्लोज हो जाती हैं। अभी कुछ चीज़ें बचती हैं, भाई मुझे इसको रैक आउट करना है तो उधर एक हैंडल होगा इसका, ये वाला, ये सिलेक्टर स्विच है, सेम एम्पियर मीटर से, ठीक है। ये इसका हैंडल है, है इस का स्प्रिंग चार्ज का ये हैंडल है, और ये इसके अंदर ये डलता है, जैसे इसके अंदर हम इसको ऐसे करेंगे और इसके अंदर हम ऐसे करके इसको डाल देंगे, अभी डालेंगे नहीं इसको इसके अंदर, तो इसी तरह डलता है। अगर आप जाओगे फर्स्ट टाइम आपके साथ हो तो बोलो सर मेरे इधर इस तरह की एसीबी या वीसीबी नहीं थी, प्लीज़ मुझे बताइए कैसे करना है, आपका सीनियर अपने आप बताएगा आपको, ठीक है। तो इसमें ऐसा कन्फ्यूजन लेने की, ऑफलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसे लेके घुमाते हैं, जैसे एसीबी में तो हम डायरेक्ट हैंडल रहता है, इसमें देखो लिखा हुआ है कि चार्ज किस तरह करना है, हैंडल किस तरफ घुमाना है। देखो इसमें क्या होता है, कभी भी किसी भी ब्रेकर के सामने तो खड़े होकर नहीं करते हैं चार्ज, साइड में खड़े होकर, जैसे एसीबी भी चार्ज कर रहे हैं तो हम ऐसे होकर चार्ज करते हैं, और इसमें भी जब चार्ज करते हैं तो हम यू साइड में आ जाते हैं, इसमें लगाया और इस तरह करके इसको चार्ज करते हैं। कोई भी ऑपरेट भी करना है ना, आपको ब्रेकर को ऑपरेट भी करना है तो सामने हो, कभी भी ऑपरेट नहीं करना है उसको, ये एक सिर्फ किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो ऑपरेट करना है मुझे, ऑन करना है ना, इसको ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से करूँगा मैं, साइड से, इस बॉक्स से साइड होके। कई बार ब्रेकर फट जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पूरा सिस्टम बाहर आ जाता है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट दिल्ली NCR में हुए हैं। इसमें एरो लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है उसके ऊपर, उसी हिसाब से हम घुमाएंगे इसको, ठीक है। ये इसको भाई मुझे सर्विस करनी है इसकी, मुझे बाहर निकालना है इसको, ऑफ करके हैंडल को खोल के ये ढक्कन खुल जाता है, सामने हमारे को अपना VCB दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें किसी को कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है, इधर आप देखेंगे ये एक बैटरी बूस्टर लगा हुआ है, इसमें से केबल्स भी गई हुई है, देखो बहुत सारी केबल गई है, और ये केबल आप देखोगे घूम फिर के सारी इन्हीं के अंदर आई है, हाँ ये पूरा 24 वोल्ट पे, इसकी जो कंट्रोलिंग है पूरी 24 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट की गई है, ये बैटरी के थ्रू, ठीक है। ये बैटरी चार्जर लगा हुआ है और इससे ही ये पूरा फंक्शन करता है, ऐसा नहीं कि हर जगह ही, बट मोस्टली जगह ये बैटरी से ही ऑपरेटेड होती है, अपना DC से ही ऑपरेट करते हैं, HT को सिर्फ, LT को नहीं, HT को। LT में अगर आपका BMS सिस्टम से कनेक्ट, सॉरी PLC वगैरह से कनेक्ट है तो आपका DC से यूज होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। ज्यादातर AC से ही ऑपरेट होती हैं, अगर आपका जो सिस्टम है वो PLC पे है तो फिर वो उसी के हिसाब से होगा, HT उसके अंदर, DC हो सकती है। कोई कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है? ये मतलब इतना सारा का इस पे, ये प्लेट पे दे रखा है ना? हाँ जी, इसका पूरा पूरा डिटेल इधर दे रखा है, पूरा डिटेल इसका, बिल्कुल बिल्कुल। 24 वोल्टेज DC दे रखी है, 240 वोल्टेज AC से भी कुछ चीजें ऑपरेट हो रही हैं, तो सारा कुछ सब कुछ इस पे दिया हुआ है इसका। जी सर, ठीक है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी का? वो लगा हुआ सबसे पहले मीटर पे लगा है, इनकमर में नहीं, रिक्वायरमेंट देखो, सामने वाला इतना खर्चा नहीं करना चाह रहा था, क्या आप तो हर एक में CT लगी है कि नहीं लगी है, क्या है क्या नहीं है, तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है सारी चीजें, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के हिसाब से क्लाइंट मतलब पूरी चीजें बनती हैं। नहीं, वोल्टेज अलग अलग कैसे होगी, जब मेन है, मेन से ही लूप होके सब में आई है, तो अलग अलग कैसे हो जाएगी वोल्टेज,
वोल्टेज जो पीछे से आएगी जो एक को मिल रही है वही सबको मिलेगी, बराबर मिलेगी सर। बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी भी नॉन टेक्निकल या प्रोडक्शन में कर रहे हो तो स्केल्ड हिंदुस्तान से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कहीं नहीं होने वाली। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।